तो अब क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है पता है? पहले तो ये जानो कि एक्सेलरेशन क्या होता है। पढ़े हो पहले के क्लास में एक्सेलरेशन? नहीं पढ़े हो तुम लोग, आईसीएससी बोर्ड वाले तो पढ़े होंगे क्योंकि दिया हुआ है तो शायद। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, ठीक है, यानी स्पीड अपॉन टाइम भी हम लोग कह सकते हैं, चेंज इन स्पीड पर टाइम। अगर स्पीड क्या हो रहा है, जैसे गाड़ी वाड़ी चलाते हो ना तुम लोग, स्कूटी स्कूटी में क्या है ऐसे ऐंठते हैं तो वो क्या होता है, गाड़ी तेज स्लो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर। हाँ एक्सीलेटर, वही एक्सेलरेशन है। वो स्पीड क्या करता है गाड़ी की, बढ़ा देता है घटा देता है, समझे? तो वो क्या होता है स्पीड, स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। अब स्पीड का क्या होता है, स्पीड को किसमें मीटर मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड। और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। अब ये आगे बनाओगे, मीटर पर सेकंड कहने का मतलब है ये मीटर अपॉन सेकंड अपॉन में सेकंड है, तो ये तुम लोग को पता है ना कि ये उठ के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मालूम है कि नहीं? जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन मानते हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये ऊपर चला जाता है, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन को किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कैसे आया, तो इस तरीके से आता है, स्पीड अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम बोल सकते हैं, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है पर टाइम, तो वो तुम्हारा क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन बन जाता है। गाड़ी चला रहे हो 5 किलोमीटर पर स्पीड से, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, लेकिन आगे चल के उसको थोड़ा सा हाइट दिया तो क्या हो जाएगा, गाड़ी की स्पीड बदल जाएगी, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो वो तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन है, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड का तुमको पता है ये मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये